देखिए तालाब में ये जो कमल का फूल है ये नहीं रहना चाहिए, और जब यह शुरू होता है तभी इसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो इससे कई प्रकार का घाटा है। एक तो मछलियों को तैरने में परेशानी होती है, दूसरा तालाब का जो भी पोषक तत्व है वो ये ले लेती हैं, तीसरा जाल चलाने में परेशानी होती है, चौथा इनमें बहुत सारे कीड़े जो हैं वो अपना अंडा देती हैं, तो उससे क्या होता है कि कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो भी मछली पालक भाई हैं उनसे अनुरोध है कि यदि उनके तालाब में इस तरह का कमल का फूल या और भी जलीय घास कोई हो गया हो तो उसको निकलवा दें, नहीं तो बाद में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। और ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है, धीरे धीरे पूरा तालाब आच्छादित हो जाएगा यदि इसको नहीं निकाला जाए तो, और ये मछली पालन में परेशानी करेगा।